मुरादाबाद के मुड़ापाड़े क्षेत्र में हुई तेज बरसात होने से कच्चा मकान गिर गया, तो वहीं घर के अंदर सो रहे परिवार वालों ने जब तेज आवाज सुनी तो वे घबरा कर बाहर की तरफ दौड़े, तो उन्होंने देखा कि उनके मकान के बरामदे की कच्ची छत और दीवारें जमीन में धंस गई है। दरअसल आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद के मूड़ा पांडे क्षेत्र में आज सुबह हुई तेज बरसात होने से कच्चा मकान गिर गया, तो वहीं घर के अंदर सो रहे परिवार वालों ने जब तेज आवाज सुनी तो वे घबरा कर बाहर की तरफ दौड़े, तभी उन्होंने देखा कि उनके मकान के बरामदे की कच्ची छत की ओर दीवारें जमीन में धस गई, तो वहीं आसपास के मोहल्लेवासी भी तेज आवाज सुनकर घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। जब पास जाकर देखा तो आरिफ पुत्र अब्दुल शाहिद निवासी ग्राम दुलारी के घर तेज बरसात होने के कारण घर भरा भर कर गिर पड़ा। तो वही मकान स्वामी ने बताया कि बरसात होने की वजह से मेरे तीनों बच्चे मकान के अंदर सो रहे थे, जबकि मेरा पूरा परिवार गर्मी होने की वजह से बाहर सोते थे। आज सोमवार की रात को ही अंदर सोए थे। मकान की छत गिरने से सारा अनाज और बर्तन दब गए, तो वहीं मकान गिरने से घर में सो रहे बच्चे बाल बाल बच गए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मकान स्वामी द्वारा बताया गया कि मेरा मकान कच्चा होने के बाद भी मुझे कोई सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। अगर आज मेरे परिवार के साथ में कोई घटना घटित हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मैंने अपने कच्चे मकान बनवाने को लेकर कई बार मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन कर चुका हूँ, पर ब्लॉक के सचिव अन्य अधिकारियों ने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई सुनवाई की, जिससे आज मेरे परिवार पर संकट मंडरा रहा है। ये फजर में गिरा था, इनके हस्बैंड कहीं गए हैं और हम इनके पड़ोसी हैं। काफ़ी दिनों से कच्चा है, ना कोई आवास की योजना नहीं मिली है, काफ़ी दिनों से कच्चा मकान है। अच्छा, जिस टाइम ये मकान गिरा था ये कहाँ सो रहे थे? ये इसमें सो रहे थे, निकल गए थे, जब दो तीन गोले टूटे थे। इसकी सूचना आपने किसी को आला अधिकारी को दी? अभी तो गिरा थोड़ी देर पहले।